भैया क्या बोरेक्स का जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था, क्या वो आपने साइक्लिक बनाया था? हैं, साइक्लिक बनाने के बाद बताओ बोरोन में कितने बॉन्ड बना दिए थे? ए दो बोरोन ने तो तीन, और दो बोरोन ने चार। बताओ उन जिन पे चार बनाया था उन्होंने क्या माइनस लगाया था? मुझे बताइए। माइनस जो लग गया था बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन ने बॉन्ड तोड़ तोड़ के देखा तो अपन ने एच प्लस ओ एच माइनस अटैक करवाया। मुझे बताओ क्या उसमें चार बोरिक एसिड बन गए थे? ये बोरिक एसिड जो है ये प्रोटिक एसिड है क्या? क्या ये ओ एच माइनस लेता है? ये वीक एसिड है? बताओ ये वीक एसिड है। बोरेक्स में जैसे ही पानी मिलाया आपने चार बोरिक एसिड मिले थे प्लस दो एन ए ओ एच में मिले थे। मुझे बताओ क्या यही बोरिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन को क्या अल्कलाइन बना रहे थे? बताओ बोरेक्स बीड टेस्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में? पहले तो बोरेक्स बीड कैसे बनेगी? बोरेक्स की क्या स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं? बताओ बोरेक्स की जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि बोरेक्स के अंदर H3BO3 और NaOH का जो मिलके बना हुआ है वो है, और उसको अपन ने गर्म किया है। मुझे बताइए जरा क्या क्या बन गया था? सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। हाँ मतलब बोरोन की, हाँ B2O3 NaBO2 बना था प्लस B2O3 बना था। क्या यही हुआ था? NaBO2 प्लस B2O3 बन गया था। बताइए जरा ये जो है ये एसिडिक है क्या? इसी की वजह से एसिडिक है। बताओ मेटल की ऑक्साइड जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है ये पूरा? बताओ मेटल की ऑक्साइड बेस या एसिडिक, ये कौन सा मेटल है? क्या ये ट्रांजिशन मेटल है? बताओ ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं क्या वो जिंक कैडमियम मरकरी वाले होते हैं? नहीं, जिंक कैडमियम मरकरी वाले तो होते ही नहीं है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी जो होता है वो ट्रांजिशन होते हैं। बताइए आपने क्या कलर वगैरह भी याद किए थे? Mn का P, हाँ फिर G, फिर B B B। मुझे बताओ ये यहाँ क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखूं? आयरन लिखूं, कोबाल्ट, निकल। बताओ कॉपर में कलर जिंक। अबे जिंक रे, जिंक कौन बोला? डीप ब्लू। जाने क्या चिल्लाते रहते हो। ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, यही। तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट जो है वो निपट गया था। और देखिए मुझे बताइए ये क्या होता है? K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस। एलाम बताओ क्या इसका नाम पोटैश एलम है? बिल्कुल पोटैश एलम, फिटकरी, बिल्कुल। और फिटकरी का यूज जो जनरली अपन लोग पहले, अब आजकल तो कम हो गया है, बट पहले जो है वो काफी यूज करते थे क्योंकि सस्ती चीज है थोड़ी। इधर देखिए Al2SO4.Al2SO, ये K2SO4.this, और ये मुझे बताओ इसको कैटायन 9 में तोड़वाओ इसको। K+SO4-2 Al+3SO4-2, यही है। कितने के प्लस हैं? ये मेरी आदत है कि मैं इस क्वांटिटी को यहां नहीं लिखता। जनरली लोग बाग ऐसे लिखते हैं इसको 2K+। ये जो है ये मैं 2 इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मेरे को यूं लगता है कि यार ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा तो K2SO4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसको वापस से उधर ले जाता हूँ और सोचता हूँ कि हाँ ये सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और क्वांटिटी चेक करने की कौन कितना है तो वो यहाँ लिख रही है, ये 2 है तो 2K+ है। सल्फेट कितने हैं इसमें? 4। ये वाला, यहाँ वाला एक है इधर, एक इधर SO4। अरे हाँ, जो 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 इधर एक ही है ना इसमें। इसमें एल्यूमिनियम कितने? 2। एल्यूमिनियम आयन कितने? 2। और ये सल्फेट? 3। टोटल 4 सल्फेट। अच्छा टोटल कैटायन कितने? टोटल कैटायन 4। बताओ सल्फेट आयन कंपैरिजन ऑफ कैटायन के जो ये लिख रहे हैं यहाँ, कंपैरेटिवली सल्फेट काफी बड़ा है। आप ये बात मानते हैं सल्फर उसके ऊपर 4-4 लगे हुए हैं, माइनस भी 2-2 लगे हुए हैं, तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है एनायन। बताओ हाइड्रेशन या फिर पानी की बात करें किसको घेर के रखता होगा, छोटे या मोटे? छोटे।
क्या लगता है आपको कि ये 24H2O के जो मॉलिक्यूल हैं ये कैटायन को ज्यादा घेर के रखते होंगे या एनायन? कैटायन। कितने कैटायन? चार। कितने पानी? चौबीस। हर एक कैटायन को छह पानी का मॉलिक्यूल सराउंड करके रखेगा। ऐसे टाइप के बनेंगे, देखो K+H2O6, ये ऐसे। ऐसी क्वांटिटी कितनी है? अबे ऐसे दो है ना यार। एल्यूमिनियम +3H2O6, ऐसे भी दो ही है जी। एक तो ये बात, दूसरी ये बताइए, ये सॉल्ट K2SO4 कौन से एसिड बेस से मिलके बना हुआ है? बेस बोलो KOH, H2SO4, Al जो +3 है, AlOH होल थ्राइस प्लस H2SO4, इससे मिलके बने हुए हैं। बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, एम्फोटेरिक है। अच्छा एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो दोनों से रिएक्शन करे पर सामने वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आया एसिड बेस रोट के मुंह उठा के चल दिए, नहीं, ये सामने इसके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो कि है। तो बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेस? अब मुझे एक बात बताओ, एम्फोटेरिक कौन होते होंगे जिनमें एसिडिक और बेसिक दोनों गुण होते होंगे थोड़े थोड़े? तो बताओ इसको क्या लिखूं मैं, बेस जोरदार या वीक बेस? वीक बेस, स्ट्रॉन्ग तो हो ही नहीं सकता ना। अच्छा आपने शायद ये पढ़ा भी होगा इक्विलिब्रियम में कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग या नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे मिलके बना हुआ ये एलम। और एक और बात सुनिए, मेटल एलम्स जो होते हैं वो सल्फेट्स होते हैं मोनोवेलेंट कैटायन और ट्राइवेलेंट कैटायन के। उधर देखिए बताइए, ये मोनोवेलेंट कैटायन, ये ट्राइवेलेंट कैटायन। तो मोनोवेलेंट ट्राइवेलेंट के सल्फेट्स आर नोन एज एलम। बताओ क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज होता है कि नहीं होता? बताओ क्या वो एम्फोटेरिक है? जैसे एल्यूमिनियम +3 एम्फोटेरिक है, तो बताओ क्या क्रोमियम भी एलम बना सकता है? सल्फेट्स ऑफ मेटल +1 एंड मेटल +3 आर एलम। बताओ मैग्नीशियम एलम बना सकता है क्या? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम बना सकते हैं? बताओ लिथियम +LM बना सकता है? मुझे बताओ लिथियम +LM बना सकता था, बट आपको याद है इसकी आदतें ही खराब, दुनिया अलग चले ये कुछ और ही करता। मुझे बताओ ये टिपिकल एलिमेंट है, सो उल्टा है, एनोमेलस है, एनोमेलस बिहेवियर दिखाएगा, एनोमेलस बिहेवियर। बोले तुम सब एलम बनाओ, मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरी साइज बहुत छोटी। सल्फेट्स के बीच में मान लो ये सल्फेट जमे हुए हैं तो इसके बीच में काफी जगह लिथियम घुस के बाहर निकल जाता, तो इसका मतलब इसकी साइज बहुत छोटी है इन कंपैरिजन ऑफ इस वॉइड के, तो इसमें फिट नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो ये एलम्स का ये हाल है। आपको एलम दुनिया जो जो डेली जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें आपको बताइए एलम क्या क्या यूज आता है। मैं बोलता हूँ आप बताइएगा कि आपने ऐसा सुना है क्या? एलम बताइए क्या क्लॉटिंग के काम आता है? ब्लड क्लॉट के काम आ जाता है। सेडिमेंटेशन नाम सुना है? क्या होता है? क्या बैठ जाता है? पानी नीचे बैठ जाता है? कुछ कुछ साइज के पार्टिकल, कुछ एक प्रॉपर साइज तक के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। स्विमिंग पूल में एलम घुमाया जाता है, क्लोरीन तो छोड़ी ही जाती है, एलम भी घुमाया जाता है। एलम घुमाने से क्या होगा, जब एलम घुमाते हैं ना तो पूल में जो कचरा है, जो पत्थर है, जो छोटे पार्टिकल है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। सफाई करने का तरीका है उसको। फिर उसमें एक वैक्यूम पंप होता है, उस वैक्यूम पंप को नीचे बॉटम पे डालते हैं वहां स्विमिंग पूल के, और उस बॉटम से उस वैक्यूम क्लीनर की सफाई, उससे सफाई कर देते हैं जो कचरा बाहर निकल जाता है पानी के साथ। दो तरीके के क्लीनर आते हैं वैक्यूम वाले, एक तो जो अपन नॉर्मल घरों में यूज नहीं करते, वो खींचते हैं जो वैक्यूम,
जिससे छिपकली पकड़ लेते थे अपन, पकड़ी नहीं पकड़ी मैं खूब पकड़ी है ना, और जो है, और दूसरे तरीके का एक वैक्यूम क्लीनर आता है जो वाटर वाटर में चल सकता है, पानी में चल सकता है, तो वो उससे सफाई कर देते हैं। पुराने जमाने में जब एक्वागार्ड आरओ वगैरह नहीं हुआ करते थे तो पानी की जो सफाई है वो ऐसे ही की जाती थी, एलम डाल देते थे, घुमा देते थे थोड़ी देर, और वो पानी का जो कचरा है, जो थोड़ा मोटा कचरा है जो, वो सेटल डाउन हो जाता था। और पहले के जमाने में इतने कचरेदार पानी आता भी नहीं था। अब क्या है, गड्ढे खोद खोद के, बोरिंग डाल डाल के, इतने जाने कहां कहां से हजार हजार फुट अंदर गहरे गड्ढे डाल के उसमें से पानी खींचते हैं। तो इसीलिए पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2 फुट खोदा 5 फुट खोदा पानी निकल जाता था, उसी उसी में कुआं बना लेते थे लोग, उससे निकाल के और उसको एलम घुमा के सेडिमेंटेशन करके पी लिया करते थे। तो इसीलिए कहते थे कि बोले प्यूरिफिकेशन में काम आता है एलम, तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आ गया। पानी में अगर आप उसको घुमाएंगे तो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, एलम का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता होगा या बेसिक, बताओ। ये तो न्यूट्रल हो गया मामला, बोलो ये वीक बेस और ये क्या स्ट्रॉन्ग, तो बताओ क्या एसिडिक हो सकता है। अच्छा बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, थोड़ा होगा, क्यों थोड़ा होगा, क्यों, ये बेस भी तो है, तो थोड़ा एसिडिक होने के कारण कोई दिक्कत नहीं है, उससे आराम से चल जाता है वो मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब बातें हैं, तो लिख दीजिए इन सब बातों, हेड डाल दीजिए एलम। एलम These are sulfates of monovalent and trivalent cations. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलम इज पोटैश एलम, यार तुम सारी नजर यही है, लिख लो ना इधर, फोन भी नहीं उठाऊ, मतलब कॉमनली नोन, बकवास नहीं, फालतू बातें मत करा करो। कॉमन, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलम इज पोटैश एलम, इसका फॉर्मूला लिखिए, ये लिखिए इसको इसी तरीके से पूरे को यहां तक लिख दीजिएगा, ईच कटायन, इन सबको लिखने के बाद क्या इसी के साइड में लिख दीजिएगा ये बात, ये जो 2 क्वांटिटी लिखी है ना इसके आगे लिख दीजिएगा, ईच कटायन इज सराउंडेड बाय,
सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल। ईच कटायन इज सराउंडेड बाय सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल। फिर इन सबको लिखने के बाद नीचे लिखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम इज एसिडिक। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, ये बताइए एलम को पानी में जब डालते हैं तो क्या क्लियर सॉल्यूशन मिलता है? इट गिव्स क्लियर सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट लाइन में, इट इज यूज्ड इन ब्लड क्लॉटिंग। सेडिमेंटेशन एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखे, लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम। बिकॉज इट हैज वेरी स्मॉल साइज। फुल स्टॉप इसी में आगे लिखे, इट डज नॉट फिट, इट डज नॉट फिट प्रॉपरली इन क्रिस्टल लैटिस विथ सल्फेट। देखिए कार्बाइड्स तीन तरीके के होते हैं। कार्बाइड्स मतलब कार्बन के ऊपर माइनस, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, नाइट्राइड मतलब नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, और हैलाइड मतलब हैलोजन के ऊपर माइनस। यही है, जब भी किसी एक सिंगल एटम के ऊपर माइनस लगाया जाता है तो उसका नामकरण जो है वो आइड लगा के किया जाता है। जैसे कि N के ऊपर माइनस थ्री तो नाइट्राइड, सल्फाइड S माइनस टू। अगर वो पॉलीएटॉमिक मतलब यानी अगर वो डिफरेंट एटम से बना हुआ है तो नहीं करते ऐसा, बट सेम एटम में अगर है तो ऐसे, जैसे N थ्री माइनस यानी N नीचे तीन ऊपर माइनस, याद करो इसको अजाइड बोलते थे। बताओ तुमने बेरियम अजाइड पढ़ा था? उसकी हीटिंग करते थे तो N2 मिलता था। बहुत बढ़िया, बताइए क्या मॉइस्चर मिलता था क्या इसमें? क्या वेरी प्योर नाइट्रोजन इज ऑब्टेंड? वेरी प्योर नाइट्रोजन। तो कार्बाइड भी ऐसा ही है, कार्बन के ऊपर माइनस। अब कार्बन के ऊपर माइनस कब आएगा? जब वो मेटल से जुड़ा हुआ होगा। आप देखो आयनिक बॉन्ड में आपको जो शुरुआत हुई थी तो आपसे मैंने कहा था कि बेरिलियम केवल और केवल एक कंपाउंड आयनिक बनाता है। क्या वो बेरिलियम का कार्बाइड था? मतलब ज्यादातर मेटल के कार्बाइड्स क्या होते होंगे? आयनिक। देखिए एस ब्लॉक के मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स भी कार्बाइड बनाते हैं जिनको हम आयोनिक कार्बाइड्स कहते हैं, आयोनिक कार्बाइड। एक कोवेलेंट कार्बाइड होते हैं जो कि आपने कोवेलेंट सॉलिड में देखे थे। आप याद करो कोवेलेंट सॉलिड में दो कार्बाइड्स पढ़े थे आपने। बोलो कोवेलेंट सॉलिड में क्या B4C पढ़ा था हमने, SiC पढ़ा था हमने? क्या दोनों के दोनों कोवेलेंट सॉलिड थे? आयनिक कार्बाइड्स S ब्लॉक के, कोवेलेंट कार्बाइड्स P ब्लॉक के, और D एंड F ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो कार्बाइड्स बनाते हैं इंटरस्टीशियल।
क्या आपने पहले नाम सुन रखा है? इंटरस्टीशियल मतलब क्या होता है अभी देखते हैं, पहले इसको समझ लेंगे अपन, आयनिक कार्बाइड्स को देख लेते हैं। आयोनिक कार्बाइड्स तीन तरीके के होते हैं, जैसे ऑक्साइड तीन तरीके का होता था, याद करो, अलग अलग माइनस लगा के अलग अलग, अच्छा ओ के ऊपर माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड, ओ टू के ऊपर माइनस टू पर ऑक्साइड और ओ टू के ऊपर माइनस वन सुपर ऑक्साइड, याद है आपको? ऐसे ही कार्बन के ऊपर माइनस फोर, तो इसे बोलते हैं मिथेनाइड। क्या बोलते हैं? मिथेन का फॉर्मूला CH4, उसमें सारे H प्लस निकाल दो तो C-4 बनेगा, मिथेनाइड। C2 के ऊपर माइनस टू, बोलना चाहते हो कुछ? अच्छा ये बताओ C, ये कहां से आया होगा? H लगा दो ना इसमें, बोलो C2H2 से आया होगा ना। अब C2H2 है तो C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H और ये H हुआ होगा ऐसे। हाँ बोल, सही बोल रहा था। क्या इसे एसिटाइलिन बोलते हैं? तो इसे एसिटाइलाइड भी बोल सकते हैं। इसे क्या इथाइन बोलते हैं? तो इसे इथाइनाइड भी बोल सकते हैं। ये इथाइनाइड शब्द आपने कहीं सुना होगा, आपको एस ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ने का काम दिया था क्या? नहीं दिया, मना कर दिया यार, यूजेस वगैरह पढ़ने को कहा था क्या? खैर वो हो सकता है मैंने लिथियम गैनोमेलस आपको लिखा दिया तो मना कर दिया हो, कोई बात नहीं, अभी आप आ जाएगा सामने। बोलिए दो नाम, एसिटाइलाइड और इथाइनाइड। एसिटाइलिन नाम जो है इसका, ये कॉमन नेम है आयुपीएसी हमें, और इथाइन जो है वो आयुपीएसी। और एक होता है C3-4 टाइप का, तीन कार्बन के ऊपर माइनस फोर, वो कैसे बनता होगा देखिए, तो वो C3H4 से बनता होगा। बोलो C3H4 कैसे बनाऊं? C डबल बॉन्ड C ऐसे बना दूं? बोलो इसका नाम, हल्का, क्या इसे एलीन बोल सकते हैं? और इसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो भी सही है, डाइईन बोल देते हैं, एल का डाइईन करके, तो इसका कॉमन नेम जो है वो एलीन होता है। तो इसमें से H+ जब निकालोगे तो एलाइलाइड बनता है, और इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, बताओ ये इसका नाम क्या है? आईयूपीएसी नेम बोलिए, प्रोपाइन। इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइनाइड। दो तरीके से बना सकते हैं, मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए, तुम्हें समझ में आया? दो स्ट्रक्चर, एक तो एलीन का स्ट्रक्चर बनाया था, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ऑर्गेनिक चल रही है, आईयूपीएसी आइसोमेरिज्म में आने ही वाला है, ये जीआई में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आप ये। बोले यूं हो गए चालू, तो यूं जो है सिस्टर आज ही चालू हुआ है, तो अभी वो एक दो दिन लगेंगे यहाँ पहुंचने में, एक दो दिन तो क्या शायद कल ही पहुंच जाएंगे आप। एलीन आपको पढ़ाया जाएगा, एलीन में जीआई, ठीक है। C3H4 बताइए इसका नाम क्या बोला था? प्रोपाइन। तो ये प्रोपाइनाइड। अब इस तरीके के कौन कौन बनाते हैं? लिथियम Li4C, लिथियम के ऊपर प्लस वन लगाओगे तो Li4C हो जाएगा। इस तरीके का बेरिलियम भी बनाता है, एल्यूमिनियम भी बनाता है, ये फिक्स हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि बेरिलियम एल्यूमिनियम किस तरीके के कार्बाइड बनाते हैं। इस तरीके का कार्बाइड कैल्शियम बनाता है, और इस तरीके का कार्बाइड मैग्नीशियम बनाता है। वो क्लियर हुआ जो आपका डाउट था बहुत पहले का? इन्होंने मुझसे बहुत पहले एक डाउट पूछा था कि मैग्नीशियम के कार्बाइड का फॉर्मूला आप Mg2C3 क्यों लिख रहे हो पलटो पन्ने, आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में पहला पन्ने पे, आपको ये याद आ गया ना मुझे, पहले आयनिक बॉन्ड में पहले पन्ने पे मैग्नीशियम का कार्बाइड जो लिखा था वो मैंने उस टाइम बोला था Mg2C3। इधर देखिए ये मैं Mg2C3 कैसे बनता होगा, इधर देखिए
मैग्नीशियम के ऊपर प्लस टू, सी थ्री के ऊपर माइनस फोर। अब बोलो कैसे, क्या क्या करोगे? ये यूं इधर आ जाएगा, ये यूं इधर आ जाएगा, बताओ फिर एमडी टू सी थ्री कैसे बन गया? क्या कैंसिलेशन करोगे? सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला में सिंपल बदलोगे उसको रेशियो में, तो बन जाएगा एमजी टू सी थ्री। ये जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, सी ए के ऊपर प्लस टू, सी टू के ऊपर माइनस टू। बोलो ये इधर, ये इधर, बताओ क्या बनाऊं? सी ए सी बस टू कैल्शियम कार्बाइड। और ये आप समझती हैं, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लिथियम के ऊपर प्लस फोर वन लगाओगे तो एल आई फोर सी, यहां बेरिलियम के ऊपर प्लस टू लगाया तो बी ई टू सी, तो एल के ऊपर प्लस थ्री लगाया एल फोर सी थ्री। ये हैं आयनिक कार्बाइड्स टाइप। कोवेलेंट कार्बाइड्स आर कोवेलेंट सॉलिड्स, और इंटरस्टीशियल कार्बाइड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये डी ब्लॉक के मेटल का क्रिस्टल लैटिस बना रहा हूं मैं, मेटल मेटल सॉलिड स्टेट में है और मैं इसका लैटिस बना रहा हूं। किसी का भी बना लीजिए, आयरन का बना रहे हैं जैसे, तो आयरन सॉलिड ऐसा दिखेगा, आयरन 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 के एटम, इनके बीच में जो ये स्पेस है जिन्हें वॉइड्स कहते हैं, आप उसमें घुस जाते हैं। कौन घुस जाएगा? छोटे एटम्स, हाइड्रोजन घुस सकता है, नाइट्रोजन घुस सकता है, कार्बन घुस सकता है, फ्लोरीन घुस सकता है, छोटे। वो वॉइड्स में जब ये घुस जाएंगे तो इंटरस्टीशियल कार्बाइड बन जाएगा। मुझे बताओ जब वॉइड्स खत्म हो जाते होंगे तो बताओ क्या ये और हार्ड बन जाता होगा? वॉइड ज्यादा हो जाना लैटिस का, वॉइड बड़ा है अगर तो लैटिस कमजोर होता है, वॉइड छोटा होगा तो लैटिस मजबूत होगा। तो लैटिस मजबूत कब होगा? जब इसमें घुस जाएंगे ये, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टीशियल। अब इनमें एक चक्कर है, जैसे आपने यहां फॉर्मूले लिखे, यहां फॉर्मूले लिखे, यहां फॉर्मूले नहीं लिख पाओगे। पता थोड़ी ना है कि किसके बीच में कितने घुस गए, भाई 100 एटम है, उन 100 एटम में कितने घुस गए बीच में कुछ नहीं पता, वॉइड्स में तो कुछ आइडिया नहीं लगता। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना इनका, कुछ भी हो सकता है, एफ ई 1 2.5 सी 1, बस कुछ भी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला, फिक्स नहीं है कुछ कि तू टू तू मैं ये वन, ऐसे कुछ नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, पर ये जरूर पूछेगा कि वो फॉर्मूला प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो बोले इम्प्रॉपर है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नाम है इसको, एनसीईआरटी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक लिखती है, तो लिख दीजिए पूरा कार्बाइड। ये कार्बन फैमिली का टॉपिक है, मत लिखिए कार्बन फैमिली, इसको बोरोन फैमिली में लिख दीजिए। कार्बन फैमिली अलग से हेडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन इसमें बहुत कुछ, कार्बन फैमिली में सिलिकेट सिलिकॉन्स होते हैं वो आपने पढ़ लिए हैं, और कार्बन फैमिली में एलोट्रोप्स दिए हुए हैं वो भी आपने पढ़ लिए, तो कार्बन फैमिली क्या ऑलमोस्ट पूरी खत्म हो जाती है। ये टॉपिक बच रहा था तो इसको लिख दीजिए, हेडिंग मत डालिए कार्बन फैमिली।
मैं लिखवा रहा हूँ अभी, आप इतना लिख दीजिए बस, जितना देर मैं सब लिखवा रहा हूँ, आप एक बार ना ये लिख दीजिए जो है आपके सामने। हाँ बना दीजिए, और इसमें ऐसे इसको शेड कर दीजिएगा थोड़ा वॉइड्स को। ये लिखने के बाद नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अब ये बनाने के बाद नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए। एस ब्लॉक मेटल फॉर्म्स आयोनिक कार्बाइड, पॉइंट फॉर्म में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एस ब्लॉक मेटल फॉर्म्स आयोनिक कार्बाइड and these can be of three types, first methanide, मतलब इसी में आगे लिख दीजिए डैश करके, इसी में आगे लिख दीजिए methanide, मिथेनाइड का फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में C-4, कॉमा लगा के लिखिए। इथाइनाइड, इथाइनाइड कौन सा इथाइनाइड, इसमें C2-2, इसी में ऑब्लिक करके इसका दूसरा नाम एक और बोला था आपको एसीटाइलाइड, फिर कॉमा नेक्स्ट कौन सा है, क्या नाम बोले थे, इसके भी दो नाम बोले थे प्रोपाइनाइड, प्रोपाइनाइड ऑब्लिक एलाइलाइड, एलाइलाइड ब्रैकेट में लिखे C3-4। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डी एंड एफ ब्लॉक मेटल फॉर्म्स, डी एंड एफ ब्लॉक मेटल फॉर्म्स इंटरस्टीशियल कार्बाइड्स इन विच, डी एंड एफ ब्लॉक मेटल फॉर्म्स इंटरस्टीशियल कार्बाइड्स इन विच कार्बन इज ट्रैप्ड इन space present between atoms, carbon is trapped in space between atoms, full stop, इसी में आगे लिखिए। these carbides are non stoichiometric, formula of compound is not fixed, not proper,
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज नॉट फिक्स्ड, नॉट प्रॉपर, इम्प्रॉपर. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल कार्बाइड्स आर वेरी हार्ड एंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. ऑल कार्बाइड्स आर वेरी हार्ड and have very and having very high melting point. Next point likhiye, all alkali metal forms ethionide except lithium. ये पॉइंट समझ में आया आपके? इथाइनाइड क्या होता है? C2-2 सब बनाते हैं, लिथियम नहीं बनाता. तो ये पॉइंट ना, ये एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम का है, जो कि मुझे यहां बताना था, क्योंकि इथाइनाइड नहीं पता था तो इथाइनाइड यहां हो गया. तो आप लिख सकते हैं वहां पे एस ब्लॉक, थोड़ा सा छोटा सा लिख सकते हैं आप एस ब्लॉक में, एनोमेलस बिहेवियर की लाइन है ये, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम लिख दो वहां पे आप, इससे आइडिया लग जाएगा आपको जब आप पढ़ेंगे कि एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम है. ये फर्स्ट जो मैंने लिखा है, बताओ इनमें नाम बता दोगे तीनों के? तीनों के नाम याद है? हाइपो फॉस्फोरस एस, दूसरा नाम फॉस्फीनिक या फोनिक? फीनिक. फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड, दो नाम, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड. क्या इसका नाम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हैं? ऑर्थो लगाने का समझ में आ गया आपको? नॉर्मली फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मेटा पॉसिबल है, तो ऑर्थो लगा सकते हैं आप आगे. बोलो क्लियर है मामला? जी बिल्कुल. जी वो समझाने के लिए था बस. देखिए ऐसे कोई सम्मान क्या देना इनको. H3PO2 बताओ कितने OH है, कितने pH है? क्या ये रिड्यूसिंग है? क्या बोलना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. नहीं, ये क्यों, ये कब बताया? ये नहीं बताया, ये तो नहीं लिखा तुमने, एक बार देख लेना. ये नहीं लिखा है मैंने, ये अलग तुमने जोड़ लिया आज. ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है भैया. रिड्यूसिंग एजेंट है, मान रहे हैं. बताओ क्या ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है? ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर याद है? ठीक है, सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये. कई बार NCERT रिड्यूसिंग नेचर को और तरीके से भी कंपेयर करवाते हैं. रिड्यूसिंग नेचर को किस तरह कंपेयर करवाता है कि बोले जो सबसे ढीला बॉन्ड एच, सबसे ढीले एच को पकड़े के रखेगा, वो सबसे जल्दी एच छोड़ देगा. NH3, PS3, AS3, SBS3, BIS3. बताओ इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सुनाओ. सोच समझ के बोलना बॉइलिंग पॉइंट, सोच समझ के बोलना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था आपको,
एक मिनट, NH3 में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, पर कुछ गड़बड़ है इसमें। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है या स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट गुड बीच में आता है। बताओ, ऑर्डर सुनाओ सबसे ज्यादा। BiS3, SbS3, NH3, AsS3, PS3। पुराना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। और अगर आपसे पूछे कोई रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, तो जो सबसे ढीला बॉन्ड बना के बैठा होगा H, वो रिड्यूसिंग नेचर। बताइए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर क्या BiS3 का हो सकता है, और सबसे घटिया NH3, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर। बताओ NH3 और PS3 में किसका लुईस बेसिक नेचर ज्यादा है? NH3। अब मैं आपको आज समझाता हूँ ये बात, ये इतनी आसानी समझ में आएगी नहीं हालांकि, पर कोशिश करता हूँ मैं। NH3 PS3, जिसको बेंट रूल याद होगा उसको तुरंत आ जाएगी समझ में। NH3 पे लोन पेयर है क्या? PS3 पे भी है। बताओ लोन पेयर देने वाले लुईस बेस, बताओ ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में बॉन्ड एंगल, इसके बीच में बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? एक सौ नौ से कम, 107 के आसपास, 2.5 डिग्री से बॉन्ड एंगल गिर जाता है एक लोन पेयर के। तो लोन पेयर हिलता है क्या? ये भी ऐसा ही होगा, कुछ लगभग इसके आसपास ही होगा। इसका बॉन्ड एंगल 93 डिग्री के आसपास हो जाता है एकदम से, इतना कम। बहुत ध्यान सुनना भैया, मुझे समझ नहीं आएगा कुछ भी, टफ है कॉन्सेप्ट, मतलब जनरली नहीं आता लोगों को, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं, एक बार समझने की कोशिश करिए आप भी। लग रहा है मुझे आप समझ पाएंगे इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी याद दिला मैं कट जाता, इधर आगे बढ़ जाता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार। ये देखिए आप, NH3 PS3, मैंने आपको शायद ये बात कही हो कि परसेंटेज एस करेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेंट रूल, मतलब कि परसेंटेज करेक्टर्स देखा जाता है। बताओ ये लोन पेयर जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है या प्योर ऑर्बिटल में? कौन से हाइब्रिड? SP3 मानते हो आप? अच्छा एक मिनट ध्यान सुनना आप, ये भी SP3 जब भी बॉन्ड एंगल 107 के आसपास है, अगर SP3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास होता है, जो कि है 109 डिग्री एग्जैक्ट SP3 पे आ जाएगा विदाउट लोन पेयर, विद लोन पेयर 1-2.5 डिग्री से गिर गया, ये बात हम समझ रहे हैं। तो कुल मिला के ये नॉर्मल केस है, ये एबनॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल केस है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। नॉर्मल होता तो इसका बॉन्ड एंगल 107, 105, 106, 8 के आसपास होता या कुछ भी होता, पर ये नहीं होता। 109 के आसपास वेरी करता पर ये नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा गिर गया, 7 डिग्री तो ये और 7 ये, लमसम 14-15 डिग्री के आसपास जो ये गिरा है, इसके हिसाब से तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो अब क्या हुआ होगा, क्या लफड़ा फैल गया यहां? अगर 93 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, अच्छा बताओ 3P के बीच में, SP3 बोलते हो ना तुम, 3P के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री, PX, PY, PZ, 90 डिग्री। बताओ ये 90 डिग्री के आसपास है क्या? समझ रहे हो आप मेरी बात? ये 90 डिग्री के आसपास है। बताओ इसमें SP3 में परसेंटेज P करेक्टर कितना है? 75, तब जाके ये बॉन्ड एंगल बनता है, और परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो 25% है, तब जाके ऐसा बॉन्ड एंगल आना चाहिए आसपास। अब मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको कि बॉन्ड एंगल जब 93 डिग्री के आसपास हो गया, तो ये लगभग 93 डिग्री के आसपास जब होगा तो ऐसे दिखेंगे टी टाइप शेप। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि इन बॉन्ड्स में SP3 करेक्टर ज्यादा है या परसेंटेज पी करेक्टर बहुत ज्यादा है? पी करेक्टर इसमें 90-95 डिग्री तक चला गया, ओ परसेंट तक चला गया होगा, यहां 75 है, 95% तक चला गया होगा, जब ही तो ये 90 के पास चला गया बॉन्ड एंगल।
तो इतना ज्यादा पी करेक्टर अगर आ गया इन बॉन्ड्स में, तो बताओ बॉन्ड्स में एस करेक्टर क्या बहुत कम हो गया होगा? और अगर बॉन्ड में एस करेक्टर बहुत कम हो गया तो लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बताओ क्या परसेंटेज एस करेक्टर बहुत बढ़ जाएगा या फिर इसमें भी कमी रहेगा? मान लीजिए आपको SP3 हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करनी, तो बताओ इसमें परसेंटेज एस करेक्टर बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, परसेंटेज पी करेक्टर बहुत कम हो जाएगा। इसमें परसेंटेज पी करेक्टर बहुत ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर बहुत कम है, तो उसका उल्टा हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ओहो, समझ में आ रही बात? देखिए बेंट समझा होगा ना तो ये भी आएगा समझ में, ऐसा नहीं है। बेंट और नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, देखिए याद हो जाता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 90 के आसपास है तो परसेंटेज पी करेक्टर बॉन्ड में जाता है, तो यहाँ परसेंटेज पी करेक्टर बहुत कम है, तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर बहुत कम है, तो यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा। और परसेंटेज एस करेक्टर मतलब क्या होता है? न्यू एस करेक्टर मतलब ज्यादा हो जाना, तो बताओ न्यूक्लियस के पास या दूर? बताओ इसके लोन पेयर न्यूक्लियस के क्या बहुत ज्यादा पास? तो बताओ लोन पेयर देने में इसको क्या तकलीफ होगी? तो बताओ लुईस बेसिक नेचर कम हुआ या ज्यादा? बोले फिर इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या? देखना बाप, 107 डिग्री के आसपास, 93 डिग्री के आसपास, 92 डिग्री के आसपास, 91 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री के आसपास। बोलो कुछ समझ में आया क्या कह रहा हूं? बोलो इसमें अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ऑलमोस्ट हो गया तो बताओ क्या पी पी करेक्टर भर भर के आ गया? Yes, किसमें? बॉन्ड में या लोन पेयर में? बॉन्ड में। तो परसेंटेज एस करेक्टर बहुत बॉन्ड में क्या हो गया? कम। तो लोन पेयर में परसेंटेज एस बहुत बढ़ गया, वो बहुत लोन पेयर में परसेंटेज बढ़ गया, तो वो खींच करके गए या छोड़ के? खींच के, तो फिर देगा नहीं इतनी आसानी। तो लुईस बेसिक नेचर बहुत घटिया हो गया। समझ में आया? तुमने बेंट रूल लिखा था क्या कॉपी में? हैं? मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि नहीं लिखा, शायद मैंने लिखाया नहीं था क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, गलत हो जाता, कोई नोट्स देख लेता था कि बोले ये मास्टर बेंट भी पढ़ा रहा है क्या, वो सही नहीं लगता। H2O, H2S, H2SE, H2T, बॉन्ड एंगल देखना आप। ये क्यों लिखा समझ में? इससे भी कम क्यों लिख दिया मैंने? दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है भाई, उसमें दो डिग्री से और गिरा दिया मैंने उसको। बोलो समझ में आ गया आपको भी? बताओ लोन पेयर क्या इसमें भी देने में प्रॉब्लम करेगा? ये सब इसके साथ भी फॉलो होता है। तो मैंने कल, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको बोला था कि मैं लुईस बेसिक नेचर कोशिश करूंगा आपको समझाने की NH3 और PH3 के। आपने शायद लिखा भी था PH3 जब आप फॉस्फीन पढ़ रहे थे, शायद आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी फॉस्फीन बनाने की। बताइए फॉस्फीन बनाने की वो रिएक्शन याद करिए आप। P4 कौन सा फॉस्फोरस था? वाइट। बताओ वाइट रिएक्टिव है, वाइट फॉस्फोरस प्लस कंसनट्रेटेड NaOH प्लस H2O gives NaH2PO2 plus PS3. NaH2PO2 का नाम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, और PS3 क्या पॉइजनस है? रॉटन फिश स्मेल है। इट इज वीकर बेस देन अमोनिया। क्या तुम्हें ये बात याद हो गई, समझ में आ गई कि क्यों? क्योंकि PS3 का जो लोन पेयर है उसमें परसेंटेज एस बहुत ज्यादा है या कम है? खैर कोई बात नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा था आपको, कंपेयर कर लेते हैं एक बार। बताओ सबसे ज्यादा ढीले तरीके से हाइड्रोजन किसने पकड़ रखा है? BIS। तो बताओ रिड्यूसिंग नेचर क्या इसमें ज्यादा होगा या इसमें? वो है, बताओ इनमें रिड्यूसिंग नेचर कंपेयर करने को अगर आ जाए तो बताओ कहां का क्या करोगे? आंसर दो बताओ। H2TE, ये सबसे कम।
बहुत इररिलेवेंट सवाल हैं, कभी आपको एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। अभी आपको मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा किस तरीके से पूछे जाते हैं। CH4, SiH4, GH4, SnH4, PbH4, बताओ सबसे ढीला हाइड्रोजन किसने पकड़ रहे हैं? पीवी। क्या ये सबसे जल्दी छोड़ेगा? सबसे जल्दी छोड़ेगा तो सबसे जल्दी सामने वाले को खिलाएगा, सामने वाले का क्या करेगा? सामने वाले का रिडक्शन होगा ना। हाइड्रोजन खाना क्या होता है? ऑक्सीजन खाना। तो ये क्या खिलाएगा या खाएगा? सामने वाले को हाइड्रोजन, तो उसका सामने वाले का क्या होगा? रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये देखिए, इनके एप्लीकेशन नहीं है कुछ भी, ये ऐसे ही हैं बस, रफ आइडिया से एक कंपैरिजन कर लिया अपन ने। आपसे कोई एप्लीकेशन नहीं करवाएगा, आपसे ना ही कोई ये बात करवाएगा कि इसको रिडक्शन इसके साथ थ्रू करके दिखा। केवल एक मात्र एनसीईआरटी में एक कंपैरिजन किया हुआ है, इसलिए यहाँ कंपेयर करवा देते हैं टीचर लोग, और मैंने भी वो काम करवा दिया। मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसलिए है। तो इसका लुईस बेसिक नेचर पूछा जाता है, और लुईस बेसिक भी नहीं बोलता, वो बेसिक नेचर बोल देता है इस सेकंड वाले पॉइंट, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक काम करिए, अब हेडिंग लगाइए आप, ये थोड़ी बड़ी हेडिंग है, अपन थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ग्रुप 15, ये स्टार भी लगाइए इस पे, ये इंपॉर्टेंट भी है। PS3 में नहीं, इसका शेप मत वैसे करिए, मतलब देखिए, मतलब 93 डिग्री पे है, तो अब आप, मैं कह रहा हूं कि पी करेक्टर बहुत ज्यादा आ गया, तो पी जैसे अरेंज ने वैसे थोड़ा थोड़ा अरेंज कर दीजिए उसको। हाँ, थोड़ा ऐसे अरेंज करिए उसको, तो अजीब टाइप का है, छोड़ दीजिए उसको। और अगर आपको शेप बोलना ही है तो फिर पिरामिडल ही बोल दीजिएगा। ग्रुप 15, नाइट्रोजन फैमिली, स्टार लगाओ इस पे, ये थोड़ा बड़ा है टॉपिक, ज्यादा पढ़ना है इसमें। सबसे पहले रिड्यूसिंग नेचर फर्स्ट वाले का कंपेयर कर दीजिए, सबके कंपेयर कर दीजिए रिड्यूसिंग नेचर। लगा दिया ऑर्डर, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी, कंपेयर लुईस बेसिक नेचर ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड, कंपेयर लुईस बेसिक नेचर ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड।
सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा? एनएसआई, फिर PS3 और डिक्रीजिंग ऑर्डर। PH3 से लेकर के BIH3 तक एक अंडरलाइन करो, NH3 को छोड़ के, मतलब अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इज, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम NH3 रिड्यूसिंग नेचर, नहीं रिड्यूस बेसिक नेचर ऑर्डर जो लगाया आपने उसमें NH3 को छोड़ दिया गया, PS3 से BIH3 अंडरलाइन लगाइए करिए और उसके नीचे लिखिए लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम इज इन क्या, इज इन क्या, एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल, इज इन ऑलमोस्ट, इज इन ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल। लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी में नीचे लिखिए लोन पेयर गिविंग टेंडेंसी इज वेरी लेस, हेड डालिए फॉस्फीन PS3, फॉस्फीन PH3। जो आपने प्रिपरेशन की थी फॉस्फीन की याद है आपको, वो रिएक्शन लिख दोगे वापस बिना देखे, तो लिखो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, और वो रिएक्शन लिख दो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हाइट फॉस्फोरस, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हाइट फॉस्फोरस। P4 plus NH plus H2O gives NaH2PO2 plus PS3. NaH2PO2 का नाम बोल दीजिए बस, लिखिए मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, तुमने नाम पहले लिख दिया था, बट मत लिखिए। फॉस्फीन के बारे में तुमने पॉइजनस वगैरह ये सब लिख लिया था, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। रॉटन फिश स्मेल लिख ली थी, ये भी लिख, बेस देन अमोनिया, ये सब बातें लिख ली थी। रिड्यूसिंग नेचर आपने अभी लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें अपन बोल भी चुके हैं, तो ज्यादा बातें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, इधर दीजिए ध्यान दीजिए, इधर CH4 प्लस O2। एक मिनट रुक जाइए, मुझे कुछ लिखने दीजिए, आपको रिलेट हो जाएगा अभी। CH4 प्लस O2 B2H6 प्लस O2 NH3 प्लस O2 PH3 प्लस O2। कुछ रिलेट करना चाह रहा हूं मैं, हाँ बताओ रिलेट कर रहे हैं आप, बताइए। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन को ले गया था, हाइड्रोजन भी ले गया था, यहाँ बोरोन ऑक्सीजन को ले गया था, हाइड्रोजन भी ले गया था। हाइड्रोजन का ठीक है जो ले गया ले गया, बार बार मैं बोल रहा हूँ उसको, बट बोरोन ऑक्सीजन को ले जा रहा था, बोलो क्या बन रहा था? B2O3। यहाँ क्या बन रहा था? CO2। यहाँ क्या बन रहा था? NO। भूल गए, नहीं भूले, कॉन्टेक्ट प्रोसेस की पहली रिएक्शन। ओ स्वार्ड पूरा सुना दोगे? ओ स्वार्ड जी, देखिए सुनाना जरा। NH3 प्लस O2 गिव्स NO, कैटलिस्ट, प्लैटिनम,
सेकंड में नहीं, कॉन्टेक्ट में सेकंड रिएक्शन में था, इसमें फर्स्ट रिएक्शन प्लेटिनम, फिर दूसरी रिएक्शन NO प्लस O2 गिव्स NO2, NO2 प्लस पानी, दो अलग अलग एसिड HNO2 और HNO3, किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन, HNO2 का डिस्प्रोपोर्शन HNO3 प्लस NO, NO की रिसाइकल, फिर HNO3 पानी खींच लिया था, चार डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद है, वो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट था उसमें यहां से एक प्रोडक्ट उठाओ, यहां प्रोडक्ट बनाओ उस डिहाइड्रेटिंग एजेंट में जो एक था, बोलो क्या पी फोर ओटन बना दूं, क्या इसका स्ट्रक्चर याद है, दो ब्रिज ऑक्सीजन होते हैं यूं और यूं, भूल गया मैं, देखिए PSG plus O2 gives P4O10, जैसे ये ऑक्सीजन ले जा रहा, ये ले जा रहा, ये ले जा रहा, तो ये भी ले जाएगा और ये ले गया, बोलो PH3 में आग लग सकती है, आग लग सकती है, एक बात बताइए PH3 को आपने बनाया था P4 से, बताओ व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव था क्या, अच्छा एक बात बताओ अगर वो जो व्हाइट फॉस्फोरस आपने पीएच3 बनाया वो व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिव है, वो आग पकड़ सकता है, भाई रिएक्टिव है तो आग पकड़ सकता है, और उसी से पीएच3 बना, और तुमने अभी देखा पीएच3 आग पकड़ रहा था, बताओ पीएच3 जो आपने बनाया वो जो रिएक्शन में बनाया था आपने, क्या उसमें ऐसा हो सकता है क्या कि P4 की इंप्यूरिटीज भी प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है क्या कि व्हाइट फॉस्फोरस का कचरा हो उसमें, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पीएच3 दो तरीके का होता है, एक तो प्योर पीएच3 जिसको बनाया जाता है, एक इंप्योर पीएच3 जो जनरली पीएच3 होता है, कई होते हैं ना कचरा पकड़ने की आदत होती है, आप एक बात नोटिस करना, देखिए अब अभी तो आप नोटिस नहीं कर पाएंगे पर आप आगे चल के करना, व्हाइट कार और ब्लैक कार, ब्लैक कार अगले ही दिन गंदी हो जाती है पर व्हाइट कार तीन चार दिन बाद गंदी दिखती है, कई बार आप ऐसे कपड़े पहनते हैं जो दिखते बहुत स्मार्ट हैं, अच्छे हैं, बट वो डस्ट बहुत कैच करते हैं जिसकी वजह से वो एक ही दिन चल पाते हैं, बोले अगले दिन पहनने की इच्छा नहीं करती, बोले खरे या तो बहुत गंदी सी दिखने लग गई जबकि पहले दिन बहुत बढ़िया दिख रही थी, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो डस्ट बहुत ज्यादा पकड़ लेती हैं, ये उसी तरीके का पीएच3, इट कैचेज इम्प्योरिटी, पीएच3 की एक अंदर अंदरूनी आदत है कि इट कैचेज इम्प्योरिटी, और इसमें जनरली इंप्यूरिटीज जो हो जाती हैं वो P4 और P2H4 की इंप्यूरिटीज जमा हो जाती हैं, PH3 का डाइमर है, स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके सामने, ये PP बहुत कम अमाउंट में P2H4 का भी फॉर्मेशन होता है जब PH3 बनता है उस रिएक्शन से, तो इट कैचेज इंप्यूरिटी ऑफ P4 एंड P2H4, P4 आपके समझ में आ गया, P2H4 आपको रटना पड़ेगा, दो तरीके का पीएच3, प्योर और इम्प्योर, अब बोलो आप कौन सा ज्वलनशील हो सकता है, इम्प्योर या प्योर, इम्प्योर यह ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल, और यह अज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल, पीएच3 को जो गलत जो गंदा पीएच3 है इसको साफ किया जा सकता है, प्योर पीएच3 बनाया जा सकता है इस रिएक्शन, पीएच3 को एचआई से ट्रीट किया जाता है, बताइए एचआई एसिड है क्या, है बढ़िया एसिड है, ठीक है
अच्छा HCl कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है HCl, स्ट्रॉन्ग है और HI वीक है। जब आता नहीं है तो मना कर दो ना, नहीं आता HI पढ़ा नहीं है तो अबे HCl जब है HI तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे बताओ HCl के नीचे आता ना HBr HI, कौन जल्दी H प्लस छोड़ेगा? HI बहुत जोरदार है। देखिए ये दोनों मिलके सॉल्ट बनाएंगे, जो सॉल्ट मिलेगा उसका रटने का तरीका देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैथमेटिकली जोड़ दीजिए, बोलिए पी एच फोर आई, जोड़ दिया ना, फॉस्फोनियम आयोडाइड, क्या नाम? फॉस्फोनियम आयोड, इसको लिंक करना बताऊं मैं आपको, लिंक कैसे करेंगे आप, NH3 में HCl जोड़ दीजिए, बोले क्या बनेगा, NH4Cl बनता है ना, ऐसे ही है, NH3 जैसा PH3, HCl जैसा SI, हो गया, PH4I, नाम बोलिए, फॉस्फोनियम आयोडाइड, बोले इससे क्या हुआ, ट्रीट करवा दिया, ठीक है, अब क्या क्या हो गया, ये क्या किया, इस PH3 में मुझे बताओ, ये इम्प्योर PH3 था, बताओ इसमें से कौन HI से रिएक्शन करेगा, जो प्योर PH3 है वो रिएक्शन कर जाएगा उससे, क्योंकि प्योर PH3 बताओ क्या बेस है, तो वो उठ के आएगा उससे रिएक्शन कर जाएगा, मतलब इसमें अब जो PH3 प्रेजेंट है वो प्योर है, बस इसमें से PH3 निकालने का काम रह गया। अब इसमें से PH3 कैसे निकालेंगे, पहले डाला था स्ट्रॉन्ग एसिड, अब रिकवरी के लिए डाल दीजिए स्ट्रॉन्ग बेस, बोले ये क्या मस्ती है, बोले पहले यूं और यूं ऐसे ही होता है, उससे खेल खेलना था, उसमें से बेसिक करेक्टर निकालने थे, उसके पीएच थ्री निकालना था, इसलिए अब तरीका है तो है, क्या करें, ये KOH मिला दीजिए, के और आई को मिला दीजिए, बोलिए क्या बनेगा, के आई, और ये क्या बन जाएगा, पीएच फोर OH, बताओ पीएच फोर ओ एच जैसे एनएच फोर ओ एच जैसा, मुझे बताओ पीएच थ्री और एच टू लिख सकता हूं, इसे सब जुगाड़ बता रहा हूं मैं आपको, रिएक्शन याद करने के, पीएच थ्री प्लस के आई प्लस एच टू, ये रिएक्शन इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि प्योर इम्प्योर पीएच थ्री कैन बी प्योरिफाइड बाय एडिंग एच आई एंड देन के ओ एच, हो गई होगी याद, ये तो याद हो गया, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा क्या था, इसमें बताओ पीएच थ्री प्लस ओ टू, पीएच थ्री प्लस ओ टू, पी फोर ओ टेन, बताओ वो पीएच थ्री जिसने ओ टू से रिएक्शन करी वो ज्वलनशील है क्या, वो इम्प्योर था या प्योर, इम्प्योर पीएच थ्री ने रिएक्शन करी ओ टू के साथ तो क्या बना, पी फोर ओ टेन, ठीक है, पीएच थ्री की आदत क्या है, इट कैचेस इम्प्योरिटी, बस इतना सा एक ये लाइन ध्यान रख लीजिए, लिखिए पीएच थ्री कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो एरो बना के ऐसे ही लिखिए जैसे लिखा था मैंने, जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखिए, इम्प्योर पीएच थ्री प्योर पीएच थ्री, इम्प्योर पीएच थ्री के नीचे लिखिए It contain impurities of P4/P2H4. उसी के नीचे लिखे है impure PS3 is inflammable. Impure PS3 is inflammable. Pure PS3 के नीचे लिख दीजिए non-inflammable. नीचे normal point में लिखिए generally PH3 catches impurity.
जनरली pH 3 कैचेस इम्प्योरिटी, फिर उसी के नीचे लिखिए इम्प्योर pH 3 कैन बी प्योरिफाइड बाय HI एंड KOH रिएक्शन लिख दीजिए। रिएक्शन लिख दीजिए।